हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। गाइस, आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो क्लासेस करते हैं वो तो हम लोग डेली रेगुलर करते ही हैं, बट कभी कभी ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस जो 3-4 मिनट के होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स का टाइम भी थोड़ा सा बच जाता है और हमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी पता चल जाती हैं। और मैं तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ लाते ही रहती हूँ, आप लोग को पता है। तो आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो 5 मिनट का है, सिर्फ 5 मिनट आप लोग को देने हैं और डाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। चलिए गाइज, आपको पता है डाइस जो है पासा, क्वेश्चन यहाँ से एक कंफर्म आता ही आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर एक से दो रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं। डोंट वरी, मैं आपको ओपन डाइस भी सिखा दूंगी, वैसे पूरा चैप्टर तो होता ही है, वो लोग भी आप लोग डेली कर सकते हो, मेरी क्लासेस में बता दूंगी आपको कब होती है। लेकिन अगर बेटर है अगर इस वीडियो से, छोटे से 4-5 मिनट के वीडियो से हम लोग कुछ सीख पाएँ, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा पासा है, हमें कभी भी 6 सतह एक साथ देखने के लिए नहीं मिलती है, तो हमें हमेशा 3 सतह देखने के लिए मिलती है। लेकिन हमें ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नहीं। पहला रूल हमारा स्टैंडर्ड डाइस का यही होता है गाइस, कि जो इसके विपरीत सतहों का योग है वो 7 के बराबर होता है। 6 में से 3 सतह हमेशा आपको दिखाई देंगी, या तो टॉप वाली दिखाई देगी या बॉटम वाली एक दिखाई देगी। कोई अगर फ्रंट दे रही है तो बैक दिखाई नहीं देने वाली, लेफ्ट या राइट में से कोई एक सतह दिखाई देगी जो हमें यहाँ पे दिख रही है। बट फिर भी हमें यहाँ पे पहचानना है कि इसमें से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो हम पहचानेंगे ऐसे कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत पर जो नंबर होता है वो 7 के बराबर होना चाहिए दोनों को ऐड करने के बाद। जैसे 1 के पीछे हम बिना देखे बता सकते हैं कि 6 होगा, क्योंकि ये डाइस स्टैंडर्ड है, क्योंकि 1 और 6 दोनों को ऐड करके 7 के बराबर आएगा। अगर ऊपर 2 है तो डेफिनेटली नीचे की साइड पे 5 नंबर लिखा होगा, बिकॉज पासे में टोटल 6 नंबर्स होते हैं ना, दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा। अगर राइट साइड पे 3 है तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे 4 लिखा होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हमारा वो पासा है जो हम लोग लूडो खेलते समय इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड पासा। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड वाला पासा कौन सा होता है, जो हमारे स्टैंडर्ड पासे के रूल्स को नहीं मानता है। सपोज दैट हमारे पास है एक डाइस, ठीक है, मैंने बनाया। अब आप लोग इसे देखकर खुद ही पहचान जाओगे कि ये नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड होता तो 2 और 5 स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत होते हैं, जो कभी साथ में नहीं आने चाहिए। यहाँ पे साथ में आ गए, दोनों बगल बगल में लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 अपना यही है ना, 2 अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब यही होता है कि दो विपरीत वाले जो सतह होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के बगल बगल में नहीं आ सकते। यानी 2 और 5 अगर बगल में आ रहा है तो ये अपोजिट नहीं होगा। अगर ये अपोजिट नहीं तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ये कौन सा वाला है? अमानक पासा, ठीक है, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड। अब इस डाइस में अगर हमने उसे पूछ लिया जाए कि 2 का विपरीत क्या है, क्वेश्चन मार्क, 5 तो हो नहीं सकता, उसके बगल में है, 3 भी नहीं हो सकता, तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है यार, या फिर 6 भी हो सकता है, कंफर्म तो पता चल ही नहीं पा रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही ये चैप्टर बनाया गया है, कि कन्फर्मली बताइए यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या है, वो तो हमें पता चल ही नहीं पा रहा है ना। तो चलिए देखते कैसे निकालेंगे। तो गाइस देखिए, इसको निकालने के लिए पहला मेथड हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहली बात तो ये जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक डाइस से कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसको निकालने के लिए डाइस के हमें मिनिमम 2 पोजीशंस का पता होना चाहिए। कम से कम 2 डाइस तो दिए ही जाएंगे, आगे आपको 3 भी दिए जा सकते हैं, 4 भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम हमें कम से कम 2 पासे की हमें 2 सतह 2 पोजीशंस तो दिखाई जाने ही वाली हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा गाइस, ये सिंगल पासा है। जैसे ही आपके पास सिंगल पासा है तो आप समझ जाना कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। और यहाँ तो हम लोग आंसर वैसे भी बता सकते हैं, 2 के अपोजिट पर डेफिनेटली क्या होगा, 5, बता चुकी हूँ मैं आपको। 1 के अपोजिट पर क्या होगा, 6, क्योंकि दोनों का समेशन 7 होना चाहिए, सिंगल पासा है ना, स्टैंडर्ड ही होगा। 3 के अपोजिट पे क्या आता है, 4, तो यहाँ तो हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें अब अगर नॉन स्टैंडर्ड वाला डाइस आता है, जैसे कि ये वाला, तो हम कैसे निकालेंगे गाइस। देखिए इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको 2 सतह दिए गए हैं, 2 पासे दिए गए हैं, एक ही पासा है बट उसकी 2 पोजिशन, यानी पासे को घुमा के आपको दिखाया गया है, ठीक है। नंबर 1, पहला तरीका, इन दोनों में देखो एक संख्या कॉमन नजर आ रही है, 2 भी आ सकती हैं, वो भी मैं बता दूंगी। एक संख्या यहाँ पे कॉमन नजर आ रही है, कौन सी वाली है, देखो भैया यहाँ पे 4 है कॉमन, बस 4 ही तो कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं। कॉमन का मतलब जो दोनों में सेम हो। तो जब एक संख्या कॉमन होती है तो रूल ये होता है उसके विपरीत पे वही संख्या होती है, यानी उसके अपोजिट वही नंबर होता है जो वहां से मिसिंग हो या फिर कोई नया नंबर हो। जो नंबर मिसिंग है बताइए वो कौन सा नंबर है, जो इन दोनों डाइसेस में नहीं है। 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन 1 नहीं दिख रहा था, पासे में 6 नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास 1 का अपोजिट 4 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन के लिए। 4 का पूछा गया था ना, 4 का अपोजिट 1 आ गया, आंसर हम 1 पे लगा देंगे, ठीक है, वो रहा हमारा आंसर लास्ट में। लेकिन अब इसी में हम लोग एक मेथड और लगाते हैं। मान लो अगर हमसे 2 का विपरीत क्या है तो कैसे निकालेंगे,
तब हम यहाँ पर एक मेथड लिखाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज मेथड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज मेथड। क्लॉकवाइज मेथड क्या होता है भैया? क्लॉकवाइज मेथड वो होता है जब हम तभी लगाएंगे इसको जब एक संख्या कॉमन होगी, बस घड़ी की दिशा में घूमना होता है। ठीक है, जो संख्या कॉमन है उसी को पकड़ के घड़ी की दिशा में घूम जाओ। चार के बाद दो आएगा पहले, फिर छह आएगा, अगर हम इसको पकड़ के घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे भी चार को पकड़ के घड़ी की दिशा में घूमो तो चार के बाद तीन और फिर पांच। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे अब चार का तो अपन पहले से ही निकाल चुके थे, वन आया था, यहाँ पे टू का थ्री हो गया, सिक्स का हो गया फाइव, सारे आंसर आ गए हमारे पास। मतलब इस डाइज में पर्टिकुलरली दो का विपरीत तीन नंबर है और छह के विपरीत पे पांच नंबर है, हमें पक्का पता चल गया। तो गाइस क्लॉकवाइज वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे आपके डाइस के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग यही मेथड लगाइएगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ठीक है, तो लेकिन याद रखना क्लॉकवाइज मेथड सिर्फ तभी एप्लीकेबल किया जाता है जब एक संख्या यहाँ पे कॉमन होती है। अब जब दो संख्या कॉमन होती है तब कैसे करेंगे, वो वाला मेथड भी मैं आप लोगों को बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये 5 मिनट का छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सेशन है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा गाइज। ओके, अब अगर मान लीजिए आप लोग मेरे साथ फ्री क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो गाइज आप लोग मेरे साथ फ्री क्लासेस में जुड़ सकते हो डेली। यहाँ पे मैं फ्री क्लासेस का टाइमिंग बता देती हूँ आप लोगों को, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग में 11 AM, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे से डेली, और टॉपिक वाइज वाली क्लास रात को 10:15 से लगती है मेरे साथ। अनअकैडमी पे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कैसे करें, मैम का या तो नाम सर्च कर लो रितिका तोमर, या फिर इसी वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लोग लिंक निकाल सकते हो। ठीक है, वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर कोई भी मेरे साथ प्लस के कोर्स पे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे सपोज दैट, तो आप लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, SSC या रेलवे के लिए किसी भी कोर्स पे जुड़ने के लिए आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस मैम का नाम आपको सर्च करना है, क्या रितिका 10, और कोड लगाना है अपने कॉइन्स के साथ। ठीक है, मतलब आप लोग जब सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे 1 साल का या 2 साल का, अपने टॉप एजुकेटर से जुड़ना चाहते हो तो मैम का कोड लगाएं रितिका 10 और यहाँ पे कॉइन्स लगा दीजिए, दोनों से मिलाकर आपका अमाउंट 20% लेस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मैम का कोड है रितिका 10। और गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह भी है, अगर आपको लगता है कि आपके इस वीडियो में कुछ भी गलत है तो आप इस वीडियो को रिपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपकी जो लगाई गई रिपोर्ट है वो सही होती है देन यू विल विन अमेजिंग प्राइजेस। सो गाइड वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।